फिरोजाबाद में कोरोना पॉजिटिव मरीज द्वारा एक हाई वोल्टेज ड्रामा किया गया। अस्पताल पर लगी लोहे की ग्रिल को हथियार बनाकर वह अस्पताल के बाहर आ गया। 50 साल के इस कोरोना पेशेंट से अस्पताल कर्मी हुए परेशान। अस्पताल की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों को किया घायल। CMS मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य मौके पर पहुंची। मामला फिरोजाबाद के जिला अस्पताल का है, जहाँ 50 वर्षीय हरिकेश को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर कल आइसोलेट किया गया था। रात करीब 11 बजे हरिकेश ने कमरे में लगी लोहे की रॉड तोड़कर नीचे कूद गया। मौके पर पहुंची पुलिस और अस्पताल प्रशासन ने काफी देर की मशक्कत के बाद उस पर काबू पाया। बताया जाता है कि हरिकेश मेंटली डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से वह अस्पताल परिसर से कूद गया। फिलहाल उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। कोरोना पॉजिटिव था, अभी रात में उसने बाहर निकलने की कोशिश करी है, उसने खिड़की खोली है, स्टाफ को डराया था, तो स्टाफ ने थोड़ी कोशिश तो करी उसको पकड़ने की, बट उसने स्टाफ को रॉड से, जो खिड़की की रॉड है उससे डराया, तो स्टाफ छुप गया। फिर वो जो ऊपर एसी की पाइप होता है और डायलिसिस का मशीन का पाइप वगैरह होता है, उसको पकड़ कर वो नीचे उतरा है। फिर फर्स्ट फ्लोर से वो छज्जे से कूदा है, तो ही इज ऑल राइट, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है। फिरोजाबाद से ब्रजेश राठौर की रिपोर्ट।